हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा राजीव रंजन। मैं हूँ पूजा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी बट सावित्री की पूजा कैसी रही और मैंने जो भी आउटफिट कैरी किया है उसके बारे में। तो मैंने यहाँ पे ये बहुत ही प्रीटी सा एक सेट पहना है, इसके साथ ये इयररिंग और ये टीका सेट में है। ये मैंने मेसो से परचेस किया है, बहुत ही खूबसूरत सा पीस है। मैंने मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतनी अच्छी आएगी और ये बहुत ही सुंदर आई है। और ये देखिए, ये ब्लाउज ये पूरे फुल हैंड में वर्क है, ये बहुत अच्छी पैडेड ब्लाउज है। मैं तो बहुत मैंने मेसो से परचेस किया तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है कि इतनी अच्छी सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छी आई। ये मैंने एक ब्यूटीफुल सा चूड़ा पहना है, देखिए ये कितनी खूबसूरत सी है। ये इसकी प्राइस भी बहुत मुझे तो आई थिंक ये बहुत प्रीटी लगी और 472 आई थिंक से इसकी प्राइस है। ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी और ये साड़ी भी मैंने मेसो से ही परचेस किया है। देखिए बहुत सुंदर सी साड़ी है, मैं आपको पूरा इसका लुक दिखाऊंगी अभी। फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट मैंने ब्लॉग चैनल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं और भी इस तरह से न्यू वीडियो लाऊंगी आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। ये बहुत ही सुंदर सी नेक पीस है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है मेसो में। आपको ये मैंने देखा है, मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, मेसो में 500 से बिलो रेंज में भी बहुत अच्छी अच्छी सेट आ जाती हैं। आप इस तरह का नेक पीस आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। मेसो में साड़ी की भी क्वालिटीज कलेक्शंस बहुत अच्छी आती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसी अपनी पूजा की तैयारी की और मैंने पूजा कैसे किया। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग चैनल है, मैं आपके साथ मेरे चैनल में लाइफस्टाइल, ब्यूटी और मेरी जो ब्लॉग्स होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की है अपनी। ये मेरी आज की लुक थी, मेकअप, हेयर स्टाइल, साड़ी, सब कुछ बहुत मुझे अच्छा लगा। ये मैंने मेसो से परचेस किया था ये साड़ी। ये ब्लाउज, ये बहुत ही अच्छी ब्लाउज है, इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही थी। इसकी जो हैंड पे जो वर्क फुल वर्क था, इससे बहुत साड़ी को बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लुक दे रहा था। साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, लाइट बहुत दे रहा था साड़ी और खिल के आ रही थी साड़ी। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि साड़ी इतनी अच्छी लगेगी लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए, ये चूड़ा है जो मैंने मेसो से बाई किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ काफ़ी क्लोज से। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी होके आई थी मेसो से मैंने जो भी परचेस किया उसकी पैकिंग बहुत अच्छी आई थी मैंने देखा। ये देखिए, ये चूड़ा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये जो मैंने नेक पीस पहना है वो नेक पीस देखिए, बहुत ही गॉर्जियस है, ये बहुत ही प्रीटी। मेरे साड़ी के कलर के साथ तो बहुत ही अच्छी जा रही थी ये कॉम्बिनेशन में, तो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी। मेसो से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने जो भी परचेस किया बहुत अच्छी आई। ये देखिए, मैं आपको अपनी पूरी लुक दिखाती हूँ। ये मैं जब रेडी होके जब आई तो इस तरह की मैं लग रही थी। साड़ी, ब्लाउज,
ये ज्वेलरी सब बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। नहीं, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी इतनी प्यारी लगेगी। फ्रेंड्स, तो आप भी एक बार ये सेट आप ट्राई कर सकते हो। ये साड़ी आप देख सकते हो मेसो में जाके, आपको मेसो पे मिल जाएगी ये साड़ी। ये ब्लाउज बहुत सुंदर है, चूड़ा सब कुछ। यहाँ मैं अब पूजा के लिए छत पे जा रही हूँ। यहाँ मैं आलता लगाना भूल गई थी, तो मैं छत पे ही आलता लगाने के लिए बैठ गई। वहीं पे मैंने पूजा स्टार्ट करने से पहले आलता लगाया, जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है हम लोगों में। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे अपनी पूजा की तैयारी में लगी हूँ। यहाँ पे मैं अब पूजा के लिए बैठी हूँ। ये मेरी गौड़ी है, जिसे हम डेली नहाने के बाद पूजते हैं। और ये मेरी तीसरी बट सावित्री है की पूजा है। इससे पहले मेरी फर्स्ट जो है, मेरे मैरिज के बाद ही हो गई थी। पहली मई में मेरी मैरिज जो है, मई में ही हुई थी। 2 को मेरी मैरिज हुई थी और उसी ईयर बट सावित्री भी थी, तो मेरी उसी ईयर हो चुकी है। और उसके बाद हम जैसे नॉर्मली हर ईयर करते हैं, तो हम नॉर्मली हर ईयर करते हैं। ये देखिए, एक्चुअली लॉकडाउन है, मंदिर यहाँ पास में थी नहीं, तो क्या करें, तो घर पे ही हमने ऐसे ही मैंने पूजा किया। मेरी एक चाची भी आने वाली थी, तो वो भी आई थी, तो हम दोनों ने साथ में किया। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं आपके साथ ज़्यादा पूजा की जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई। बस मैंने इतना ही किया, तो आपको आपके साथ इतना ही मैंने शेयर किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और भी वीडियोस ला पाऊँ आपके लिए नई नई। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये लुक कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।